अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे तबीयत है? उम्मीद करता खैरियत से होंगे। हम पहुंचे हैं फ्राई शिक और देखते हैं अब्दुल्ला और अब्दुल हादी और हिबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा रहे मेरे साथ। तो ये है फ्राई चिक का बैरूनी नज़ारा और अब हम फ्राई चिक के अंदर एंटर होने की फ्राई चिक की बिल्डिंग के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल हादी मुंह बसोरे खड़ा है और उन्होंने हमें फिर से वेलकम कहा है। और ये क्या, अंदर तो लाल पीली कुर्सियों का राज है। शायद ये वही लाल कुर्सियाँ हैं जिसके लिए किसी ने कहा था लाल मारे। अब्दुल्ला और अब्दुल हादी ने वहाँ पर भी झूले लेना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाल और पीली कुर्सियों का राज ही राज है, तो किसी शायर की भरपूर आवाज़ लाल माले। अब्दुल हादी यहाँ पर जंप करने की कोशिश कर रहा है। हिबा वहाँ पर अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी है और उसके बाद यहाँ पर बच्चों की एक्साइटमेंट है। अब्दुल्ला ने स्लाइड से नीचे आने और फिर ऊपर जाने की कोशिश की है, जबकि हिबा अभी तक अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी है। अब्दुल हादी ऊपर भी जा रहा है और जंप पे जंप करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, हिबा एक दफ़ा फिर हैरानगी के आलम में दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देख रही है और अपने भाइयों के करतूतों पर अफसोस और नदामत कर रही है कि यहाँ आकर भी इन्होंने पेंडू पुना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और अब वो बंद शीशे से बाहर आने की नाकाम कोशिश कर रही है। वहाँ पर कुछ और बच्चे हैं जिन्हें देख कर मैंने शुक्राना कि नफल अदा करने का सोचा कि मेरे बच्चे उन जैसे वो नहीं है जिस तरह वो वहाँ पर बिल्कुल ही अटवाटी खटवाटी कर रहे हैं। हिबा अभी सैड है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। कभी वो अपने नेकलेस को खा रही है लेकिन वो पिज़्ज़े को बिल्कुल नहीं खा रही। अब्दुल्ला ने पिज़्ज़ा पर टूटने की भरपूर कोशिश की है जबकि हिबा ने इन चीज़ों को बिखेरने की कोशिश की है। अब्दुल हादी ने हमेशा की तरह हर चीज़ में कीड़े निकालने की भरपूर कोशिश की है। और ये देखिए डिलीशियस पिज़्ज़ा, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी भर आए। और हिबा फिर से वहाँ पर खड़ी हुई है और वो बंद शीशे से बाहर आने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर किसी लोगों के बच्चे हैं जो बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं लग रहे क्योंकि वो हर चीज़ की तोड़ा फोड़ी करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हिबा ने बाहर भागने की कोशिश की है और अब वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रही है और हमने भी सोचा है कि यहाँ से पतली गली से निकल जाए। उसके बाद हम ATM पे गए तो ATM ने बिल्कुल वही हाल किया जो मेरे बटवे का था, यानी कि मुँह बसोरे खड़ा था और इस वजह से मेरी पेन नहीं आई थी। और अब हम वहाँ से खाला के घर जा चुके थे और वहाँ पर मम्मा और खाला की बर्थडे को सेलिब्रेट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पर हम रेड वेलवेट का केक काटने जा रहे हैं जो अजीम मामू लेकर आए। और हमने रेड वेलवेट का केक काटा और उसके बाद हमने स्ट्रीकें बनाई और हैप्पी बर्थडे मम्मा और खाला कहा। और फिर उसके बाद बच्चों ने केक का वो हाल किया जो हाल इमरान खान ने और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का किया हुआ। और ये अब्दुल्ला, ये अब्दुल हादी और ये केक। हैप्पी बर्थडे मम्मा एंड खाला।